हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा सिटी केबल को लेकर ही, और बताऊंगा दोस्तों सिटी केबल 1 अक्टूबर से नई सर्विसेज शुरू करने जा रही है, जो कि OTT का रहने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिटी केबल जो कि दिल्ली में है, उन्होंने अब OTT का भी प्रोविज़न बना लिया है और 1 अक्टूबर से ऑफिशियली ये लॉन्च होने जा रहा है, उसी से लेकर अपडेट रहने वाला है। सो बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों बता दूँ, सिटी केबल के अगर आप LCO होंगे, लोकल केबल ऑपरेटर, तो आप जैसे ही अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा है, जो कि यही लिखा हुआ है वहाँ पे कि सिटी केबल नेटवर्क जो है वाचो ऐप के थ्रू OTT की सर्विसेज अपने ग्राहकों को देने जा रहा है। इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है, आपके पोर्टल के पे ऑलरेडी दिख रहा है। अगर आप सिटी के LCO हैं तो लॉगिन कीजिए, वहाँ पे आपको सारा डिटेल दिखेगा। साथ ही दोस्तों बता दूँ, जो सर्विसेज है OTT की सर्विसेज 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाली है। इसके लिए यहाँ पे सिटी केबल नेटवर्क रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। अब आपको बता दूँ रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, कि अगर जैसे ही पोर्टल आप लॉगिन करेंगे, आपके जितने भी सेट टॉप बॉक्स एक्टिवेट होंगे, अगर आप केबल TV ऑपरेटर हैं, आपके पोर्टल पर मान लीजिए 500 सेट टॉप बॉक्स एक्टिवेट है, तो अगर आप चाहते हैं कि OTT की सर्विसेज आप अपने ग्राहकों को भी दें, उससे आप भी कुछ पैसे कमाएं और कंपनी भी कुछ पैसे कमाएं आपके थ्रू, तो उसके लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही आप पोर्टल लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का एक बटन दिखेगा। वहाँ पे आपके जितने भी सेट टॉप बॉक्स चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी पैकेज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्राइस शो कर देगा, और उस पर्टिकुलर प्राइस पे क्लिक करने के बाद पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करने के बाद आप वो OTT एप्लीकेशंस अपने ग्राहकों को दे पाएंगे। अब OTT की जो सर्विसेज 1 अक्टूबर से भले ही शुरू हो रही है, लेकिन इसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जो आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप OTT को देखना चाहते हैं सिटी केबल के थ्रू, तो आपको वॉचो ऐप इंस्टॉल करना होगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप चाहते हैं कि केबल TV के साथ साथ OTT दोनों एंजॉय करना, तो आपको केबल TV का जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग OTT के लिए भी पर्टिकुलर प्लान बनाया गया है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस का है। आपके पोर्टल पे दिख रहा है वो कितने रुपए का प्लान है, उसके अकॉर्डिंग वो भी सेल कर सकते हैं। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर मान लीजिए किसी के मन में ये आता है कि भले ही सिटी केबल ने OTT एप्लीकेशन स्टार्ट कर लिया है, तो अब हम लोग OTT देखेंगे और सेटअप बॉक्स को हम नहीं देखेंगे, यानी कि केबल TV को नहीं देखेंगे, तो इस केस में सिटी केबल के OTT के सर्विसेज आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। बिकॉज सिटी केबल ने एक यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन रखा है कि अगर आपका सिटी केबल का सेटअप बॉक्स एक्टिवेट है, तो ही आप सिटी केबल के OTT ऐप को यूज कर सकते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज सिटी केबल का जो OTT सर्विसेज रहने वाला है, सिटी केबल के VC नंबर के साथ वो लिंक रहने वाला है, यानी कि वर्चुअल कार्ड, स्मार्ट कार्ड जिसे आप कहते हो, उसके थ्री वो लिंक रहने वाला है। अगर सिटी केबल का सेटअप बॉक्स आपका एक्टिवेट है, तो आप अपने उस पर्टिकुलर एक्टिवेट VC नंबर को वॉचो ऐप पे जब आप डालोगे, वहाँ पे डालने के बाद ही आपका प्लान रिन्यू कर सकते हैं या OTT को एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बता दूँ, वॉचो ऐप जब डाउनलोड करोगे गूगल प्ले स्टोर से, तो वहाँ से आपसे नंबर पूछा जाएगा, रजिस्टर्ड नंबर। वो नंबर डालने के बाद OTP जनरेट होगा, फिर उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर शुरू होगी, और उसके बाद लास्ट में आपको सेटअप बॉक्स नंबर आपका पूछा जाएगा, जो सिटी केबल द्वारा आपको दिया गया है। उस पर्टिकुलर सेटअप बॉक्स नंबर को इंटर करने के बाद आपको एक प्लान चूज करना होगा, और उसके थ्रू आप केबल TV तो देखते ही थे, लेकिन सिटी के वॉचो ऐप के जरिए आप लीनियर कंटेंट भी मोबाइल पे, टैबलेट पे, अपने एंड्रॉयड TV पे देख पाएंगे। तो ये अपडेट आ रही थी सिटी केबल की तरफ से कि सिटी केबल 1 तारीख से, यानी कि 1 अक्टूबर 2022 से दिल्ली वाली जो फीड है, उस पर्टिकुलर लोकेशन से अपना OTT की सर्विसेज शुरू करने जा रही है।
तो ये अपडेट आ रही थी कि सिटी केबल अब लीनियर कंटेंट सेट टॉप बॉक्स के साथ साथ OTT की भी सर्विसेज अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ चुका है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं ताकि मेरे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स लॉट। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।